Hello students, my name is Shruti Soni and today we are reading the differences between little, few and more. Students, जैसे कि हमने हमारी जो last class ली थी determiners की, उसके अंदर मैंने आपको determiners क्या होते हैं, कितने types के होते हैं और कुछ determiners में आपको differences भी समझाए थे, जैसे some और any, much और many, ठीक है. So if you have not seen that thing, so please see to the description box. I will definitely mention the link over there. तो determiners पढ़ने के लिए सबसे पहले आप उस part को पढ़ना, उसके बाद में आप इस part को start करना. अब students, यहाँ पे मैं आपको little, a little, the little, few, a few, the few, इन सब में differences बताऊँगी कि आखिर इनमें फ़र्क क्या होता है, क्यों a few का use और the few का use बनाया गया है. सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको लिटिल और फ्यू के बीच में डिफरेंस बताती हूँ. तो मेन डिफरेंस इनमें सिर्फ यही है कि लिटिल जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड फ्यू इज़ यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है. सो अब देखिए, देयर इज़ लिटिल टाइम लेफ्ट टू कंप्लीट द पेपर, कुछ समय बचा है. अगर स्टूडेंट्स यही समय की जगह मिनट्स या आवर्स दिए हुए होते तो होता देयर इज़ few minutes left to complete the paper, या फिर there is few hours, there are few hours left to complete the paper. पर जैसे कि यहाँ पर हमें time दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर little का use किया गया है. Next, I have little money, so I cannot purchase this book. So students, आपको little का मतलब यहाँ ये तो समझ में आएगी होगा कि बहुत कम की बात की जा रही है यहाँ पर. तो मेरे पास बहुत ही कम पैसा है तो मैं ये book नहीं खरीद सकती. Next, few मैंने आपको बताया अनकाउंटेबल्स, डिफरेंस दोनों के बीच में कि लिटिल अनकाउंटेबल्स के साथ यूज़ किया जाता है और few काउंटेबल्स के साथ यूज़ किया जाता है. अब शुभम हैज़ few बुक्स, शुभम के पास कुछ किताबें हैं. अब बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ देर आर few मैंगोज, मैंगोज़ को हम काउंट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड few. अब ये बात है कि मैम, ये तो हमें पता ही है लिटिल और फ्यू में डिफरेंस क्या होता है. लिटिल और लिटिल, द लिटिल में डिफरेंस का ज़्यादा प्रॉब्लम है. तो आई हैव द रेजोल्यूशन फॉर दैट ऑल्सो. यहाँ पर हम लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में डिफरेंस देखेंगे अब. सो लिटिल, स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना. लिटिल का यूज़ किया जाता है नियर टू नेगेटिव, यानी कि 100 में से सिर्फ 0 से 10%. अब मेरी बात सुनो, एग्ज़ाम में आपको 100% नंबर होते हैं टोटल, आपको पास होने के लिए 36% चाहिए होते हैं, आपके आए हैं 10% मार्क्स, ठीक है. तो 10% तो आपके लिए नेगेटिव ही हो गया ना, क्योंकि पास तो आप हुए ही नहीं, तो दैट इज़ नॉट यूज़फुल, राइट. सो दैट कैन नॉट बी यूज्ड, जिनको यूज़ नहीं किया जा सकता, हार्डली एनी, जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती. सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स दे दिए जिससे आप लिटिल को याद कर सकते हैं. पहला, 0 से 10% जो एग्ज़ाम वाला मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया. दूसरा, जिसको हम यूज़ ही नहीं कर सकते, इतना कम सामान होना जो हमारे लिए यूज़फुल ही नहीं है, जो हमारा पेट ही ना भर सके. फिर हार्डली एनी, शायद ही कुछ, ठीक है. इसका एग्ज़ाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने एग्ज़ाम्पल है. There was little support for the strike. Strike के लिए बहुत ही कम, hardly ही कोई support किया गया था. Next, he has little interest in studies. उसे बहुत ही कम, again the which cannot be used, है ना. He has little interest in studies, thus he failed. इसीलिए वो fail हो गया. भाई 0 से 10% interest होगा तो fail ही होगा ना. Next is a little. The appearance of positive, जहाँ positive तो है, मतलब अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 36% हम कह सकते हैं कि 100 में से 36% कि भैया पास हो गया अगला. एटलीस्ट सम बट नॉट मच, भाई पास तो हो गया लेकिन कुछ खास नंबरों से पास नहीं हुआ, ठीक है. जैसे कि एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट्स, वी हैव अ लिटिल मनी विद अस, वी कैन बाय दिस सोफ़ा सेट, मतलब मेरे पास जो थोड़ा बहुत पैसा है उससे मैं सोफ़ा सेट खरीद सकता हूँ. नेक्स्ट, ऑल शी वॉन्ट इज़ अ लिटिल टाइम विद हिम, वो मतलब सिर्फ कुछ पॉजिटिव समय, थोड़ा समय चाहती है उस पर्सन के साथ. सो स्टूडेंट्स, इसको याद करने का सबसे ईजी तरीका है कि जब आपको लिटिल की बात की जा रही हो तो बिल्कुल ना के बराबर, या मतलब इतना कम जिसका हमको यूज़ ही नहीं कर सकते. अ लिटिल की बात की जा रही है तो कम है पर यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। नंबर तीसरा है द लिटिल, द होल क्वांटिटी वॉट एवर इज देयर। स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, द लिटिल का यूज़ मोस्टली नेगेटिव दिखाने के लिए किया जाता है कि जो था वो भी गया, ठीक है, जितना था उतना सारा का सारा। तो द होल क्वांटिटी वॉट एवर इज देयर, जितना भी है, जैसे मान लो 100 है, 100 में से 50%, ठीक है ना, बट स्टिल लेस, लेकिन कम तो है ही, 100 में से 50% भी एग्ज़ाम में लाए हुए कम ही होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, द लिटिल मनी सेव्ड बाय मी हैज़ बीन इन्वेस्टेड ऑन द सोफ़ा, कि भाई जो भी थोड़ा बहुत पैसा मैंने जमा किया था वो सारा मैंने सोफ़े पे इन्वेस्ट कर दिया। दूसरा, रवि हैज़ टेकन द लिटिल जूस लेफ्ट इन द जग, जो भी थोड़ा बहुत जूस बचा हुआ था वो रवि ने ले लिया। सो अब स्टूडेंट्स, हाउ विल वी डिसाइड, लिटिल का यूज़ नहीं के लिए किया गया, द लिटिल का यूज़ यस के लिए यानी कि है के लिए यूज़ किया गया कि एटलीस्ट जो भी है, और द का यूज़ किसके लिए, द लिटिल का यूज़ किसके लिए किया कि जो भी है इनफ, ठीक है, लेकिन जैसा भी है वो चला गया। सो स्टूडेंट्स आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन लिटिल, लिटिल, द लिटिल। अब देखिए स्टूडेंट्स मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, जो डिफरेंस लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में होता है वही डिफरेंस फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में होता है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्यू मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर है ना, और अ फ्यू का मतलब ऐसा पॉजिटिव में, लेकिन हाँ है, मतलब एग्जिस्ट तो कर रही है चीज़, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में एग्जिस्ट कर रही है। और द फ्यू वही कि जो भी था गया, ठीक है, जो भी है बस यही है भाई, इतना ही है भाई, बस उसका यूज़ काउंटेबल के लिए किया जाएगा फ्यू का, और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल के लिए किया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको एक सिचुएशन भी ली है और उस सिचुएशन के हिसाब से आपको लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में डिफरेंस समझाया है। नंबर वन, देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द जग टू मेक द टी, इतना कम दूध है कि एक कप चाय भी नहीं बन सकती, विच इज़ नॉट इनफ टू मेक अ कप ऑफ टी, ठीक है। दूसरा, देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द जग, आई विल सर्व द टी विद इन 2 मिनट्स, मैं सिर्फ 2 मिनट में चाय सर्व करती हूँ। अब अगर मैं ये कह रही हूँ आपको कि मैं चाय सर्व करती हूँ, डेफिनेटली मेरे पास दूध है तभी तो मैं सर्व कर रही हूँ ना, तो इसीलिए देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द जग, इनफ मिल्क फॉर 3 कप्स ऑफ टी। नेक्स्ट, द कैट हैज़ स्प्लिट द लिटिल मिल्क ऑफ द जग, जो भी बचा हुआ था दूध वो भी कहाँ गया, वेस्ट हो गया, क्योंकि कैट ने स्प्लिट कर दिया द लास्ट अमाउंट ऑफ मिल्क वॉट एवर वॉज लेफ्ट। सो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया डिफरेंस लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में, यही सेम डिफरेंस होता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में। स्टूडेंट्स लेट्स सी, वही चीज़ है फ्यू, वही नेगेटिव, 0 से 10% कैन नॉट बी यूज्ड और हार्डली एनी, ओनली फ्यू पीपल आर ट्रैवलिंग दीज डेज ड्यू टू कोरोना वायरस। तो ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि बहुत ही ना के बराबर लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं। नेक्स्ट है अ फ्यू, अ फ्यू वही अपीयरेंस ऑफ पॉजिटिव, ठीक है। आई हैव जस्ट अ फ्यू मैंगोज टू मेक द जूस, मेरे पास कम है लेकिन मैंगो हैं जिससे मैं जूस बना सकती हूँ। द फ्यू, द होल क्वान्टिटी वॉट एवर इज देयर, वही सेम चीज़ है। द फ्यू ट्रीज लेफ्ट ऑन द हिल साइड डू नॉट बियर फ्रूट्स, कि भैया जो भी थोड़े बहुत पेड़ हैं इसके हिल साइड के साइड पे लेफ्ट में, उनमें भी फ्रूट्स नहीं लगते, तो भाई वो जो भी था वो भी गया। अब स्टूडेंट्स उसके अलावा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और ऐसे डिटर्मिनर्स भी हैं जहाँ हमारे दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं। सो फर्स्ट है स्टूडेंट्स ईदर, ईदर का यूज़ स्टूडेंट्स 2 तरीके से किया जाता है, या तो एनी ऑफ द 2, 2 में से किसी एक नाउन के लिए, या फिर दोनों के लिए। देखिए एग्जाम्पल, यू कैन टेक द ईदर बस, आप दोनों में से कोई भी एक बस ले सकते हो। दूसरा, देर आर ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, यानी कि दोनों साइड ऑफ रोड्स के है ट्रीज। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ऑप्शन में ईदर दिया गया है और सिचुएशन दोनों में से कोई भी दी गई है, तो आप उसके साथ में ईदर का यूज़ कर सकते हैं। जस्ट ईदर का ऑपोजिट हो गया नीदर, ऑपोजिट ऑफ ईदर, नॉट द बोथ, या तो दोनों ही नहीं या फिर
दोनों, ठीक है, सॉरी, या तो दोनों में से एक भी नहीं और या फिर दोनों, ठीक है। जैसे यू शुड टेक नीदर बस, आपको कोई सी भी बस नहीं लेनी चाहिए दोनों में से, ना ये वाली ना वो वाली। एंड नीदर बुक कैन हेल्प मी टू क्लियर डिटर्मिनर्स, और दोनों ही किताबें मेरे काम नहीं आ रही डिटर्मिनर्स पढ़ने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी, देखिए स्टूडेंट्स ये बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ईच वाले में हर पर्सन पे ब्लॉक बना हुआ है, राइट, जबकि एवरी में ऐसा ब्लॉक नहीं बना हुआ है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि दोनों में बात तो किसकी होगी, ग्रुप की होगी, है ना, दोनों में बात ग्रुप की ही होगी, लेकिन ईच में इंडिविजुअली बात होगी, यानी हर पर्सन की बात होगी, और एवरी में एज अ ग्रुप बात होगी। देखिए ईच, वन बाय वन, आप सभी सेपरेटली बात करना। लेट्स कंसोल ईच चाइल्ड सेपरेटली, हर बच्चे को सेपरेटली कंसोल करेंगे। ईच सस्पेक्ट्स शुड बी एग्जामिन्ड प्रॉपरली। जैसे मान लो किसी ने चोरी कर ली है, चोरी करने के बाद में पांच चोर पकड़ाए हैं आसपास में रहने वाले, तो यहाँ कह रहा है हर एक चोर को ध्यान से एग्जामिन करना चाहिए, तब हम असली चोर को पकड़ पाएंगे। नेक्स्ट है एवरी द टॉक ऑफ ऑल बट एज अ ग्रुप, वही बात है, बात सबकी होगी, हर एक की होगी, पर एक ग्रुप के रूप में होगी जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एवरी इंडियन मस्ट बी प्राउड, हर इंडियन को प्राउड होना चाहिए, ठीक है। अगला एवरी चाइल्ड नीड्स गुड केयर, हर बच्चे को अच्छी केयर की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द डिटर्मिनर्स ऑल अबाउट, ठीक है। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट टू। थैंक यू।